डियर स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने सीरियल में या मूवीज़ में, जैसे डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो आपकी फिंगर्स के ऊपर ये लाइंस बनी होती हैं, ये यूनिक होती हैं। दो इंडिविजुअल की लाइंस ही आपस में मैच नहीं करती। डैट इज़ वाई ये हम यूज़ करते थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर मौके पे किसी ने चोरी की हुई है और वहाँ पे उसके हाथ फिंगर्स के निशान हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये किसने चोरी की होगी। लेकिन क्या आप जानते हो, जिस तरीके से आपके फिंगर के प्रिंट्स यूनिक होते हैं, इसी तरीके से डीएनए के भी प्रिंट्स होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यूनिक होते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। तो मान लीजिए कि अगर मौके की वारदात पर किसी ने ग्लव पहने थे या कुछ ऐसा कर दिया कि उसके फिंगर प्रिंट्स नहीं आए, तो फिर क्या अदर सबूत हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। डैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंट। अब क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, किसने इन्वेंट किया डीएनए फिंगरप्रिंट, क्या प्रोसीजर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए और क्या उसके फ़ायदे हैं, ये सारा हम आज टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंट की रिलायबिलिटी जो है वो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, खासकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर पैटर्निटी डिटरमाइन करने के लिए। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बच्चे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, या जीनोटाइपिंग भी कहते हैं, या फिर आइडेंटिटी टेस्टिंग भी कहते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। तो किसने इन्वेंट किया था, एलेक जेफ्रे ने इन 1984 इन्वेंटेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एट लेसिस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। तो किसने इन्वेंट की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक, एलेक जेफ्रे ने। और इंडिया में डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह स्टार्टेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया एट सीसीएमबी सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। तो इन्वेंट जो है एलेक जेफ्रे ने किया था, और इंडिया में किसी ने इन्वेंट नहीं किया लेकिन यूज़ किया था इस टेक्नोलॉजी को, वो बीके कश्यप और डॉक्टर लाल सिंह जी ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ डीएनए व्हिच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। तो ये कहता है कि हमारे डीएनए में जो है 99.9% जो सीक्वेंस सेम होती है, जो 0.1% सीक्वेंस हमको एक दूसरे से अलग करती है, ये उसी सीक्वेंस को डिटरमाइन करवाता है। तो ईच पर्सन हैज़ ए यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट। जैसे मैंने पहले बोला कि हर पर्सन में एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है डीएनए का। तो पहले जो हम कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट यूज़ करते थे फिंगर टिप्स का लेके, वो अल्टर किए जा सकते थे सर्जरी के साथ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो सेम रहता है हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन में, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो पहले पहले ड्रॉबैक क्या होता था, किसी ने चोरी किया, क्राइम किया, तो अपने फिंगरप्रिंट चेंज करवा सकता था सर्जरी से। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट कभी नहीं चेंज हो सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी के सारे सेल्स में होता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये क्या है, एक आइडल वे है जो डिस्टिंग्विश कर सकता है किसी इंडिविजुअल को बाकी लोगों से, ठीक, बाय हिज इंटायर जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस। तो हम क्या करते हैं कि उसकी सीक्वेंस को नोट डाउन कर लें, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी पॉपुलेशन में घुसा हो, हम उसे बाकी उसे अलग बता सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे में 99.9% डीएनए सेम होता है, सिर्फ 0.1% डीएनए जो है वो अलग होता है। और आपको क्या लगता है, 0.1% इतना भी छोटा नहीं होता। अगर हम देखें तो 0.1% जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है 3:10 की रे पावर 6। ये रे पावर 6 आना था, तो इसे आप ठीक कर लीजिए। बेस पेयर आउट ऑफ 3:10 की पावर 9 बेस पेयर आना था, इसे भी ठीक कर लीजिए प्लीज़। प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू ईच ह्यूमन बींग। तो कहता है कि हमारे में जिनोम की अगर सीक्वेंसिंग करें तो हमें 3×10 की रे पावर 9 जो हैं वो बिलियन जो बेस पेयर होते हैं, और 0.1 जो रिप्रेजेंट करता है वो 3:10 की पावर 6। ठीक, प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू ईच ह्यूमन बींग। ह्यूमन जीनोम जो है वो पोजेस करता है न्यूमेरियस स्मॉल नॉन कोडिंग
बट इनहेरिटेबल सीक्वेंस ऑफ बेस विच आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। तो हमारे में क्या होता है, सिर्फ वही जीन ही होती है डीएनए में कि जो कोड करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करते, बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करते, उसे हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, और वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चे, यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, मतलब जो जीन्स लाइज करते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं, एक जो कोडिंग करते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और एक जो कोडिंग नहीं करते जिसे हम नॉन कोडिंग कहते हैं। अब क्या होता है कि जो कोडिंग वाले हैं उनकी सीक्वेंस तो हम देख लेते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया, क्योंकि उनमें एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन कोडिंग वाला नहीं आया। नॉन कोडिंग वाले भी साइमल्टेनियसली वो आते हैं, लेकिन हम उनको डिटरमाइन नहीं करते क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कहता है कि दीज सीक्वेंस अकर नियर टीलोमेयर सेंट्रोमेयर, ये जो नॉन कोडिंग वाले जो हैं टीलोमेयर के सेंट्रोमेयर में होते हैं। वाई क्रोमोसोम और जो क्रोमेटिक एरिया है वहाँ पर, द एरिया विद सेम सीक्वेंस ऑफ बेस रिपीटेड सेवरल टाइम इज कॉल्ड है रिपीटेड डीएनए। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होके आती है, जैसे सी सी ए ए टी टी, तो ये एक बार ही प्रेजेंट होगी, ये बड़ी बार प्रेजेंट होगी अलग अलग लोकेशन पे, तो उसे हम कहते हैं ये रिपीटेटिव डीएनए है। ये दे कैन बी सेपरेटेड एज सैटेलाइट फ्रॉम द बल्क डीएनए, तो इनको हम लोग बाकियों से अलग कर सकते हैं, ठीक है। हमको क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए, और बाकी डीएनए से अलग कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक यूज़ करके, डेनेस्टी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन एनहेंस कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। तो ये कहता है कि वो वाले नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो हैं, जो हमारे यूनिक हैं, रिपीटेटिव हैं, इनको हम बाकी डीएनए से अलग कर सकते हैं सेंट्रिफिकेशन टेक्निक को यूज़ करके, और इनको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए जैसे मैंने कहा रेपिटेशन होती है बेसिस की, और इन बेसिस को हम टैंडम बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ कि वो टैंडम की सीक्वेंस छोटी है या बड़ी है, बेस कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ टैंडमली रिपीट यूनिट। सैटेलाइट डीएनए हैव सब कैटेगरी लाइक माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। तो कहता है कि वो टैंडम रिपीट जो है वो थोड़े हैं, बिल्कुल कम नंबर के हैं, तो उसके हम बोलते हैं माइक्रो है या मिनी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। अब देखिए सैटेलाइट डीएनए जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म में होता है। आप नहीं कह सकते कि सब में एक जैसा ही सैटेलाइट डीएनए होगा, नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल में वो अलग अलग तरीके की सीक्वेंस को अक्वायर करके रखता है। ये टर्म पॉलीमॉर्फिज्म है, इसे हम यूज़ करते हैं व्हेन ए वेरिएंट एट ए लोकस इज प्रेजेंट विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 0.01 पॉपुलेशन, ठीक। तो इस टर्म को हम तब यूज़ करते हैं जब लोकेशन जो जो एक लोकस के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मोर देन 0.01 पॉपुलेशन में, जो परसेंट पॉपुलेशन में होती है। तो ओवरऑल उन्होंने क्या बोला कि भाई आपके अंदर 0.1% डीएनए जो है वो अलग होता है, और ये जो 0.1% डीएनए है ये 3:10^6 को रिप्रेजेंट करता है, और इस जो वेरिएशन है तो ये किसको बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, वो वाले पार्ट ऑफ द डीएनए जो कोड नहीं करता। और इस नॉन कोडिंग डीएनए में जो सीक्वेंस है वो सीधे न्यूक्लियोटाइड्स तो होते ही हैं, लेकिन रिपीट फॉर्म में होते हैं, डेट इज़ बाई हम इसे रिपीटेटिव सीक्वेंस भी कहते हैं या टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं, जो रिपीट्स छोटी सीक्वेंस की भी हो सकती है या बड़ी सीक्वेंस की भी हो सकती है, जिसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं, मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसका फोकस था कि भाई डीएनए में कौन सी चीज़ को हम लोग आइसोलेट करके रखते हैं, टैंडम रिपीट्स, जो कि अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होगा, कहीं में 50 बार रिपीट हुआ होगा, कहीं में 100 बार रिपीट हुआ होगा, कहीं की सीक्वेंस छोटी होगी, कहीं की सीक्वेंस बड़ी होगी, और इसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग किया जाता है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये रिपीट जो है वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग क्यों है, वो है ड्यू टू म्यूटेशन। देखिए जब जीन के अंदर म्यूटेशन आती है तब वो विजिबल होती है, है ना, हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे से वेरी कर रहा है, लेकिन जब नॉन कोडिंग में सीक्वेंस में चेंज आती है वो हमें विजिबल नहीं होती, और मोस्टली जो डीएनए का पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है जो कि कोडिंग पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो कहते हैं वेरिएशन इसलिए आ जाती है क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से म्यूटेशन होती है जनरेशन टू जनरेशन, और जब म्यूटेशन इन जीन होती है वो अलील प्रोड्यूस करता है जो कि हमें एक्सप्रेस करवाता है कि म्यूटेशन हो चुकी है, लेकिन म्यूटेशन नॉन कोडिंग में होती है रिपीटेड डीएनए में उसका कोई इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाई देता, जैसे मैंने अभी कहा।
ये म्यूटेशन जो इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होती है ये धीरे धीरे जुड़ती जाती है, जनरेशन टू जनरेशन जुड़ती जाती है, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म बन जाता है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। डीएनए जो पॉलीमॉर्फिज्म है यही इसका बेसिस है, जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी बेस को कि भाई हर एक इंडिविजुअल के अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंस अलग होगी, इसको हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। शार्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट इन द डीएनए जो होता है वो वेरी स्पेसिफिक होता है हर इंडिविजुअल में, और इनके नंबर भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। चूँकि इनके नंबर वेरी करते हैं, मतलब एक जैसे नहीं है हर इंडिविजुअल में, तभी हम इस टैंडम रिपीट को वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं, यानी कि मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। और हर एक इंडिविजुअल में ये रिपीट होते हैं, पेरेंट्स में भी और उनके बच्चों में भी, उनको यूज़ किया जाता है जेनेटिक मार्कर इन ए पर्सनल आइडेंटिटी टेस्ट। तो इन शॉर्ट कि हमारे में हेटरोक्रोमैटिन मतलब नॉन कोडिंग टाइप की सीक्वेंस होती है जो कि रिपीटेड होती है, वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, उनके नंबर वेरी करते हैं, उनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं। वो छोटी सीक्वेंस भी हो सकती है, वो बड़ी सीक्वेंस भी हो सकती है, उसे हम माइक्रो या मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। और ये यूज़ किया जाता है किसी की आइडेंटिटी को करने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया कि भाई कौन सा बेस है, क्या आधार है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेस्ड ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है नेचुरली सबसे पहले हमें डीएनए चाहिए। तो वो क्राइम सीन पे अगर किसी अपराधी का हेयर बड़ा हुआ है, स्किन पड़ी हुई है, ठीक है, इवन सलाइवा पड़ा हुआ है या फिर ब्लड पड़ा हुआ है, स्पर्म पड़े हुए हैं, कुछ भी है जो सेल हो, तो हम उसमें से डीएनए निकाल लेते हैं। अब ये जो डीएनए निकाले, हम इस डीएनए के टुकड़े कर देते हैं बाई यूजिंग रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये यूनिट 4 में भी है। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो वाला होता है जो स्पेसिफिक जगह कट लगाता है, इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर या केमिकल सीजर भी कहते हैं। अब डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हुए हैं, तो इसके पास हम क्या करते हैं, ये जो डीएनए के टुकड़े हैं इसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिपेंडिंग अपॉन द साइज अलग कर देते हैं। जब अलग कर देते हैं तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट की जो सीक्वेंस है, जिसमें मतलब वो सीक्वेंस बार बार प्रेजेंट है, बड़ी बार प्रेजेंट है, क्योंकि हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो वाला यूज़ किया जो उस सीक्वेंस पे कट लगाए, वो देखता है कि वो वाले कट कितनी जगह लगे हैं। तो उस सीक्वेंस को हम लोग लेते हैं, उसे पीसीआर में डालते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ताकि उसकी बड़ी सारी कॉपीज बन जाए। फिर हम क्या करते हैं, वो वाले डीएनए के दो स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी सीक्वेंस का नहीं पता कि इसमें कौन सी सीक्वेंस होगी, लेकिन हम उसकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का एक प्रोब लेते हैं। प्रोब मतलब हमें पता है इसकी सीक्वेंस क्या है, और हम अलग अलग प्रोब उसके ऊपर डाल के देखते हैं। जो प्रोब उसके साथ स्टिक कर जाए तो हम समझ जाते हैं कि हमारे प्रोब की सीक्वेंस ये थी, तो इस डीएनए की सीक्वेंस क्या होगी। समझ रहे हो ना, एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपने खुद से डाली हुई है, तो ऑब्वियसली बात है जब वो पेयरिंग कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो अपोजिट के साथ ही पेयरिंग करेगा, तो उसके हिसाब से हम उस सीक्वेंस का पता कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोब था वो रेडियो एक्टिव था, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब वो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के ऊपर पोर करेंगे, वो उसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी डीएनए की, उसे हम देख भी पाते हैं। चूँकि इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, क्योंकि इसको इन्वेंट किसने किया था, ईएम साउदर्न ने। और कौन सा मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, ठीक। एक्सरे फिल्म तब बनाई जाती है, चूँकि रेडियो एक्टिव था तो वो रेस्ट को छोड़े गई, तो एक्सरे हम बना लेते हैं, और उस एक्सरे में आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो है वो बॉन्ड बन गई हुई है, बैंड बन गई हुई है, सॉरी। तो बैंड के बेसिस के ऊपर ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि यही है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। उसके बेसिस के ऊपर हम क्रिमिनल के या सस्पेक्टेड के डीएनए फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं, अगर वहाँ उसके डीएनए में भी सेम जगह बैंडिंग बन रही होगी तो वही है, अगर नहीं बन रही होगी तो वो कल्प्रिट नहीं है, इस हिसाब से हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यही डार्क बैंड ऑफ एक्सरे फिल्म को रिप्रेजेंट किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट, जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल डीएनए को तोड़कर साइज वाइज अलग कर दो, उसको स्टैंड को अलग कर दो, प्रोब को यूज़ करो, एक्सरे बना लो, तो आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाएंगे।
तो चलिए हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या किया हुआ है। एक नंबर वन पे ब्लड सैंपल लिया हुआ है, वहाँ से डीएनए निकाल दिए हुए हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा हुआ है, उसके बाद साइज़ वाइज उनको अलग कर दिया जाता है, फिर डीएनए प्रोब को बीच में डाला जाता है। जो डीएनए प्रोब यूज़ हो गया हुआ है वो तो हमारे काम का है ही है, तो नेचुरली बात है जो कट हमारे काम के थे वो रखे जाते हैं, जो बिना कट वाले थे मतलब जो हमें काम के नहीं थे उनको अलग कर दिया जाता है, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, नेलन मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, एक्सरे बनाते हैं, और फाइनली आपका 11th नंबर पे दिख रहा है एक्सरे फिल्म, जिसमें डीएनए साइज़ वाइज मतलब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और उसका क्या बन जाता है कि बैंड बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बड़े सारे डार्क बैंड हैं जो दिखाते हैं कि इसमें डीएनए बड़ा ज़्यादा है, कुछ लाइट बैंड हैं उनके बैंड के नंबर भी अलग अलग हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हिसाब से होता है, डीएनए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर चार्ज एंड वेट। तो इस तरीके से हम लोग डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि डीएनए को निकाल कर उसे सेपरेट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसकी कटिंग करके प्रोब डालकर और फिर हम रेडियो आइसोटोप की वजह से उसके एक्सरे बनाते हैं। तो ये था ओवरऑल टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपको पहले जानना ज़रूरी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा मेन मोटिव कौन सा होता है, रिपीटेटिव डीएनए की सीक्वेंस को देखना, नॉट ऑल द डीएनए। तो इट मीन्स हम रिपीटेटिव के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी डीएनए को डिस्कार्ड कर देते हैं, बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इंडिविजुअलिटी की, ठीक है। तो स्किन फिंगरप्रिंटिंग जो थे वो डर्मेटोग्राफी बोलते हैं उसको हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग को एक को दूसरे से अलग कर देते हैं। इवन जो दो इंडिविजुअल मतलब जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनके भी डीएनए फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करेंगे। फिर हम यूज़ करते हैं पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट के लिए कि कोई बच्चा किसी पेरेंट्स का है भी या नहीं है। देखिए ऑल्दो डीएनए फिंगरप्रिंट हर इंडिविजुअल के अलग होते हैं, लेकिन ये भी है कि वो पेरेंट्स से ज़्यादा रिजेंबल करेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से, ठीक है। मैंने बोला था म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन ऐड अप होती जाती है, इसका मतलब पेरेंट्स के साथ वो ज़्यादा रिजेंबल करेगा एज़ कम्पेयर टू कज़न के साथ और बाकी लोगों के साथ। ह्यूमन लीनेज तो डीएनए जो है फ्रॉम वेरियस प्रोबेबल इज़ बीइंग स्टडीड टू फाइंड आउट ह्यूमन लीनेज, कि भाई ह्यूमन लीनेज जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। हेरिडिटी डिजीज़ में ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जीन आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी फैमिली में जो डिजीज़ चल रही है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। फोरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग यूज़ करते हैं क्रिमिनल को डिटरमाइन करने के लिए, लीगल परस्यूट करने के लिए, है ना। तो ये लीगली हम लोग यूज़ करते हैं। DNA fingerprint has proved that Danu, the human bomb, was the real murder of Shri Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of India. तो DNA fingerprinting की वजह से ही हमें पता चला कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको जिसने मारा था वो धनु था, वो एक प्रूफ था। फिर सोशियोलॉजी में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है रेशियल ग्रुप को, उनके ओरिजिन को, उनकी हिस्टोरिकल माइग्रेशन को और उनके इन्वेजन को, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ माइग्रेटरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। देखिए कोई बाहर से माइग्रेट होके आया हुआ है, नेचुरली वो हमसे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं होगा, तो वो कब आया, किस समय आया होगा, तो वो सारा हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चे डैट वॉज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी कि क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किसने इन्वेंट किया था और उसमें हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। डैट वॉज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और एप्लीकेशन में तो आपने इसे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये पैटर्निटी डिस्प्यूट के लिए, इंडिविजुअलिटी के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, हेरिडिटरी डिजीज़ के लिए, फोरेंसिक में या सोशियोलॉजी एस्पेक्ट्स में इसकी बड़ी ज़्यादा यूटिलिटी है। थैंक यू बच्चे।